अपने धार्मिक स्थल पर लोगों को धर्म का प्रदर्शन करना चाहिए। सरकार को विचार करना चाहिए, ऐसे ध्वनि प्रदूषणों पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का स्थल हो, इसको बंद होना चाहिए। शहर जाम है, पूरा टावर जाम है, जिस प्रकार पूरे टावर को बंद करके, ये कहीं से भी उचित नहीं। आम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपने धार्मिक स्थल पर लोगों को धर्म का प्रदर्शन करना चाहिए, न कि इस प्रकार पूरा टावर पर दरी बिछा के तेज आवाज़ में। और भारत सरकार के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कानून भी है कि आप रेसिडेंशियल में 55 dB तक, कमर्शियल में 65 dB तक और इंडस्ट्रियल में 75 dB से वैसे ही अगर शोर करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, तो उसके लिए 1,00,000 तक का फाइन है। तो सरकार को विचार करना चाहिए, ऐसे ध्वनि प्रदूषणों पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का स्थल हो, इसको बंद होना चाहिए। लेकिन आज देखिए, जिस प्रकार सभी स्थानों पर सड़क जाम करके दरी बिछा के टावर पर, आज एक विशेष संप्रदाय के लोगों का आज अजान का दिन है, तो जाके देखिए ना कितना बड़ा बड़ा साउंड लगा के जिस तरह किया जा रहा है, या कहीं से भी उचित नहीं है। रोक लगनी चाहिए ऐसे ध्वनि फैलाने वाले, ध्वनि पर माइक ही उतार देना, क्या जरूरी है, सबका माइक उतर जाना चाहिए। कहाँ कहाँ से माइक उतर? सभी स्थलों पर से, मंदिर, हाँ सभी स्थलों पर से, जहाँ भी ऐसा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ऐसे स्थलों पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी सब तरफ उतरने लगे हैं। हाँ तो अच्छा है, उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं, हम लोग रोज देख रहे हैं आप ही लोग के माध्यम से, ऐसा बिहार में हो जाए तो अच्छी बात है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।